हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपको बताऊंगी ऐसी टॉप 5 मेडिसिंस जो आपके यहाँ ज़रूर होनी चाहिए अगर आपके यहाँ 0 से 1 साल तक के बच्चे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1 पे है नेजो क्लियर नेजल ड्रॉप्स। ये बंद नाक ब्रीदिंग प्रॉब्लम यानी सांस लेने में दिक्कत होती है तब यूज़ होता है। ये सलाइन वाटर है, सॉल्ट और पानी का मिक्सचर। ये नेचुरल सॉल्यूशन है जिसे नाक में इंस्टॉल करने से बंद नाक खुल जाता है और बच्चा आराम से सो पाता है। इसे बच्चे को फीड कराने के बिल्कुल 10 मिनट पहले बच्चे के नाक में एक ड्रॉप डालना है और दोनों नाक में एक साथ नहीं डालना है, नहीं तो बच्चा सफोकेट हो जाएगा। एक ड्रॉप एट अ टाइम एक नॉस्ट्रिल में डालना है, 2 मिनट रुकना है और उसके बाद दूसरे नाक में इंस्टॉल करना है। नेक्स्ट है क्रोसिन ड्रॉप्स या कैल्पॉल ड्रॉप्स। ये बच्चों को ज़्यादातर तब दिया जाता है जब या तो बेबी को बुखार हो या वैक्सीनेशन के वजह से बॉडी टेम्परेचर अबाव 100 हो। ये ड्रॉप्स डॉक्टर को कंसल्ट किए बिना ना लें। मैं आपको इसीलिए डोज भी नहीं सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि ये हर बच्चे के वेट के हिसाब से चेंज होता रहता है। सो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके ही कोई भी दवा अपने बच्चे को दें। आप सभी पेरेंट्स को मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ कोई भी दवा अपने बच्चे को देने से पहले उसका लेबल ज़रूर पढ़ ले, उसकी एक्सपायरी डेट चेक कर ले, उसका फॉर्मूलेशन चेक कर ले कि वो सिरप फॉर्म में है या ड्रॉप्स के फॉर्म में है। अगर वो ड्रॉप्स के फॉर्म में है तो वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहता है और इसीलिए उसको कम मात्रा में दिया जाता है सिरप के मुकाबले। गलती से भी ड्रॉप्स को सिरप के जितना डोज ना दे और अगर ऐसा हो जाए तो तुरंत ही डॉक्टर को दिखाएं। इससे पैरासीटामोल का ओवरडोज हो सकता है जो लीवर को डैमेज कर देता है और ये घातक भी है। और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि उसको आप ड्रॉपर से मेजर करके ही दें। नेक्स्ट है विटामिन D3 ड्रॉप्स। अब ये देना क्यों इम्पॉर्टेंट है? देखिए, बोन्स को कैल्शियम एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी की ज़रूरत पड़ती है और जो हमें सब सनलाइट से मिलता है। इसीलिए बेबीज़ को 30 मिनट तक मॉर्निंग में सनलाइट एक्सपोजर करने के लिए बोला जाता है, लेकिन ड्यू टू फास्ट लाइफ और उतना विटामिन डी नहीं मिल पाता है जितना बॉडी को नीड होता है। इसलिए D1 से डॉक्टर विटामिन D3 ड्रॉप्स प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि आगे जाके बच्चों को बोन्स डेवलपमेंट में कोई कमी ना हो और विटामिन डी डिफिशियंसी ना। इसलिए अपने बच्चों को विटामिन D3 ड्रॉप्स ज़रूर दें। मैंने मेरे बच्चे को 1 ईयर तक विटामिन D3 ड्रॉप्स दिए थे। मैं आप सबको यही सजेस्ट करूंगी कि 1 ईयर तक उसको कंटिन्यू करें। नेक्स्ट है कॉलिकेट ड्रॉप्स। ये एक ऐसा फॉर्मूलेशन है जिसकी ज़रूरत हर पेरेंट्स को पड़ती है बच्चे के 0 to 1 ईयर ग्रोथ पीरियड में। ये पेट की प्रॉब्लम्स जैसे कि गैस हो जाना, पेट का फूलना, पेट दर्द, इन सब प्रॉब्लम्स में काम आता है। इसे रोज़ नहीं देना है, इसे तब देना है जब देखो कि सब कुछ ठीक है, बच्चा भूखा नहीं है, उसे बुखार नहीं है, सब ठीक है, लेकिन फिर भी वो क्रैंकी हो रहा है, रो रहा है, स्टमक उसका टाइट सा लग रहा है, तब आपको ये फॉर्मूलेशन बच्चे को देना है। नेक्स्ट जो है वो कोई मेडिसिन नहीं है लेकिन वो एक फर्स्ट एड एसेंशियल है। ये है थर्मामीटर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं थर्मामीटर की। ये मस्ट है आपके घर में। जो भी थर्मामीटर से आप कंफर्टेबल हो, चाहे वो डिजिटल हो या क्लिनिकल हो, उसे ज़रूर अपने पास रखें। मैं आपको पर्सनली ये वाला सजेस्ट करूँगी। इस टाइप के डिजिटल थर्मामीटर बहुत एक्यूरेट होते हैं और इजी टू हैंडल होते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर ग्लास के रहते हैं, सो वो थोड़ा फ्रजाई भी होते हैं और इजी टू हैंडल नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताऊँगी कि थर्मामीटर खरीदते टाइम किन तीन बातों का हमें ज़रूर ख्याल रखना है। नंबर 1 पे है एक्यूरेसी, यानी थर्मामीटर जो बॉडी टेम्परेचर बता रहा है वो कितना एक्यूरेट है, यानी कितना सही है। ये आप डॉक्टर या फार्मासिस्ट को कंसल्ट करके जान सकते हैं। नेक्स्ट है स्पीड। थर्मामीटर ऐसा लो जो जल्दी से जल्दी टेम्परेचर डिटेक्ट करके आपको रीडिंग्स दे दें, क्योंकि छोटे बच्चों में उतना पेशेंस लेवल नहीं होता है कि वो 1 मिनट तक वेट करें और वो भी बुखार के टाइम पे अच्छे से थर्मामीटर होल्ड करके। सो इसीलिए आपको मैं सजेस्ट करूँगी आप डिजिटल थर्मामीटर लें जो इंफ्रारेड IR वाले आते हैं, जो दूर से ही बॉडी टेम्परेचर बता देते हैं। वो ज़्यादा एक्यूरेट रहते हैं, स्पीड भी उनकी अच्छी होती है और उसमें बैकलिट डिस्प्ले भी होता है। नंबर 3 पे है बैकलिट डिस्प्ले। बैकलिट डिस्प्ले यानी जिसमें लाइट जलती हो
रीडिंग दिखाते टाइम, ताकि आप अंधेरे में भी हो तो बेबी को बिना डिस्टर्ब किए आप टेम्परेचर नाप सकते। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।